तो दोस्तों आज जो वीडियो बन रहा है वो कस्टमर का ऑनलाइन हमने कॉल पिक करके जो ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो उस पर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को गौर से देखें और देखें कि हम ऑनलाइन सपोर्ट में कस्टमर हमारा कहीं परेशान ना हो गाड़ी पे, गाड़ी हाईलाइन कार्स हो या फिर आपका इंडियन कार हो, हम दोनों पे कोशिश करते हैं। और जो कस्टमर का अभी जो कॉल आया है वो दिल्ली से है, मिस्टर सुनील जी, और अभी मैं कॉल पे आपको दिखाऊंगा उनका कि क्या रिस्पॉन्स उनका अभी तक के उनको टूल लेने के बाद मिला सर। और ये जेन्युइन रिव्यू दोस्तों, इसमें कोई हम लोग पहले से कोई तैयारी नहीं करते, ठीक है। आप मुझसे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बंदा टूल अदर कहीं से लेता है तो मुझसे सपोर्ट ले सकता है। हाँ, हालांकि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं अपना अगर टाइम दे रहा हूँ तो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो गौर से वीडियो को देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि यह हमारी मेहनत है दोस्तों, हम अपना टाइम निकाल के आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें प्लीज। सर आप कहाँ से बात करें? सर मैं बात कर रहा हूँ जी सूर्यनगर रामपुरी दिल्ली से। सर जी गाजियाबाद, गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक पड़ता है, दिल्ली यूपी बॉर्डर है ये। अच्छा अच्छा और सर आपने ये टूल अपने में से कहा, मतलब परचेज कब किया था? सर ये परचेज किए हुए मुझे दिवाली से पहले किया था मैंने। चलिए सर, ठीक है सर। और सर ऑनलाइन का सपोर्ट वगैरह आपको कैसा लग रहा है? ऑनलाइन का सपोर्ट राधिका, इनका कार टेक जो है राधिका करके जो है हमारे, इनका इतना बढ़िया ऑनलाइन सपोर्ट है, बहुत ही बेहतरीन, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए सर। तो सर अभी आपकी गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है ये वॉक्सवैगन की वेंटो। और दिक्कत क्या रही सर इसमें? दिक्कत कुछ इशू जो आ रहा है इसमें, पिकअप से रिलेटेड इशू आ रहा है इसकी। एक तो क्या नाम है, हीटर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, अपने आप पिकअप तोड़ देती है। जी जी, इंजन स्टैक की लाइट आ रही है। जी 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 सर, ऑनलाइन दीजिए मुझे एक बार। ऑनलाइन दे रहा हूँ। 399 सर मेरी आईडी है। 399 489 106 399 489 106 जी। देखिए अभी ये आउटगोइंग गई है यहाँ से और मैं क्विक कमांड आपके आगे अलॉय कर दिया मैंने आपसे जी। और मैं क्विक सपोर्ट पे ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। जी सबसे पहले हम PS70 Pro ओपन करेंगे जी। जी इसको डायग्नोस्टिक में जाएंगे हम, और गाड़ी है वेंटो तो मैं ऑटोमेटिक इसको स्कैन करूंगा। ऑटोमेटिक स्कैन पे गए, आप इसकी स्पीड देख सकते हैं ऑनलाइन पे भी कितना बेहतरीन स्पीड दे रहा हो दोस्तों। सबसे पहले आपको इसकी इंटरनेट की स्पीड स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, और इस बात का जरूर ध्यान दें कि जिससे बात करें उससे वाईफाई बिल्कुल ना कनेक्ट करें। आप देखिए हमने ऑनलाइन सिस्टम उठा लिया है। इसके बाद हमको फुल डायग्नोस्टिक सिस्टम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा डायग्नोस्टिक। इंजन मैनेजमेंट पे जाएंगे हम, और इसके बाद री ट्रैवल कोड पे जाएंगे। अभी देखिए इसमें जो कोड बन रहा है वो कोड है EGR का बन रहा है कोड, है ना, EGR गैस रिसर्कुलेशन सर्किट का। तो सर इसमें, तो सर सबसे पहले आपको इसमें EGR का मॉड्यूलेटर चेक करना पड़ेगा। मॉड्यूलेटर के कपलर पे वोल्टेज चेक करें, ठीक है। अच्छा जी, मॉड्यूलेटर के कपलर वोल्टेज चेक करें, एक में 12 और एक में जो उसका ग्राउंड आएगा आई थिंक 3.5 के समथिंग ग्राउंड आएगा, आप इसका चेक कर लें। मॉड्यूलेटर गर्म हो रहा कि नहीं हो रहा वो चेक कर लें। EGR पे वैक्यूम बन रहा कि नहीं बन रहा वो चेक कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ देखना इसका EGR का, आप अगर EGR क्लीन कर सकते हैं तो क्लीन कर दीजिए, इससे जो आपका पिकअप का इश्यूज है वो क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है सर। और सर जो भी आपकी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन तो अभी फिलहाल यही है, इसका आपने आंसर दे दिया, बता दिया, बता क्या ये समस्या आ रही है। जी तो जी, इसको देखते हैं अभी, फिर कोई और समस्या आएगी तो फिर आपसे कॉल करेंगे। सर ऑनलाइन का आपको रिस्पांस कैसा अभी तक का रहा, अभी तक का लेने तक का? 100% से भी ऊपर है। चलिए सर, थैंक यू सर, क्योंकि क्या है देखिए सर, जब भी आप मुझे कॉल करते हैं कोशिश पूरी रहती है कि हम आपका कॉल पिक करके आपको ऑनलाइन दें। जब जब आपको कॉल किया आपने पूरा सपोर्ट किया है। ये जो लोग, कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सपोर्ट बहुत बढ़िया है। जी सर, थैंक यू सर। और अभी इसका आप मुझे रिपोर्ट दे देंगे तो मैं इसको भी आगे कस्टमर जो यूट्यूब में बताने की कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सर अभी मैं इसका चेक कर रहा हूँ, मॉड्यूलेटर चेक कर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर।